Mushkar. जय श्री राधे मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक कमेंट शेयर फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और बहुत ही खास विषय पर बात करेंगे सब लोगों के मन में रक्षाबंधन को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं रक्षाबंधन पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रक्षाबंधन पे आपको कुछ ऐसे काम हैं जो जरूर करने चाहिए ताकि बहन भाई के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे और साथ साथ दोनों का ही रिश्ता जो है प्रेम से भरा रहे कभी भी दोनों के रिश्ते में दरार ना आए तो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये चीजें आप इस रक्षाबंधन पे कर पाए और अपना और अपने भाई का जीवन या अपनी बहन का जीवन बहुत ही खुशहाल आप बना सकें अपने साथ साथ तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं हम रक्षाबंधन का जो सूत्र होता है रक्षा सूत्र जो होता है जो भी बहनें बांधती हैं रक्षा सूत्र को भाई की कलाई पर वो मुहूर्त के अनुसार बांधती हैं बहुत जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि जब छुट्टी दे रखी होती है कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो उसके अकॉर्डिंग जो है राखी लोग कर लेते हैं और लास्ट ईयर भी ऐसा देखा गया था कि मूर्त नहीं था मगर फिर भी लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया अब उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप रक्षाबंधन का सूत्र जो होता है वो मूर्त में नहीं बांधते हैं तो कही न कहीं ना कहीं भाई के ऊपर संकट आने की जो संभावना होती है वो बन जाती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन के समय पर भद्रा जो होती है वो लगी भी होती है और कहीं ना कहीं वो एक मुहूर्त होता है जिस दौरान भद्रा के समय पे बहनों को जो है रक्षा सूत्र भाइयों की कलाई पर नहीं बांधना चाहिए और अगर भद्रा लगी हुई है अगर पूरे दिन की भद्रा है जैसे कि इस बार भी है वैसे तो अगस्त का रक्षाबंधन है मगर अगर इस बार जो हम भद्रा की बात करें तो दस बज के अठावन मिनट से लगभग तिथि आरंभ हो रही है और रात को नौ बजे भद्रा समाप्त हो रही है यानी कि तिथि आरंभ होते ही भद्रा भी आरंभ हो रही है और रात को नौ बजे समाप्त हो रही है तो अगर आपको तीस अगस्त को रक्षाबंधन मनाना है तो आप रात को नौ बजे के बाद अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें नहीं तो आप इकतीस अगस्त को बांधें क्योंकि इकतीस अगस्त को तिथि भी रहेगी और साथ साथ भद्रा का साया भी नहीं रहेगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भद्रा में ही रावण की बहन ने रावण को रक्षा सूत्र बांध दिया था जिस वजह से उसी साल में ही रावण का वध हो गया था तो उसी इसीलिए जो है रक्षा सूत्र बहुत ही शुभ समय पर बांधा जाता है हर एक चीज को देख करके बांधा जाता है मुहूर्त को देख के बांधा जाता है दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इस दिन जो है बहन और भाई दोनों ही मिलकर के अगर नवग्रह की पूजा आराधना करते हैं तो उनके जीवन में कभी किसी भी चीज़ का कष्ट नहीं आता यानी कि आप जो है इसमें भद्र का आपको साया जो है वो नहीं देखना है आपको केवल अपने घर पे चाहे बहने भाई के जब घर पे आती हैं रक्षा सूत्र बांधने तो भाई जो है अपने घर पे एक छोटा सा हवन रखवा सकते हैं नवग्रह शांति के लिए इस दिन बहनों के साथ अगर आप मिलकर के नवग्रह शांति की पूजा आराधना करते हैं हवन में आहूति डालते हैं तो आपके नवग्रह जो हैं कुंडली में बैठे हुए आपको किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं देते हैं और साथ साथ सारी चीज़ें जो हैं बेहतर रूप से चलती रहती हैं तीसरी चीज इस दिन जो है आ, अगर आप सत्यनारायण जी की कथा करें तो बहुत ही खास रहता है क्योंकि इस दिन जो तिथि होती है वो सावन मास की पूर्णिमा तिथि होती है और जब भी पूर्णिमा तिथि होती है वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक हर महीने की एक तिथि पूर्णिमा जरूर आती है यानी कि 12 पूर्णिमा तिथि होती है अब हर पूर्णिमा तिथि पर अगर भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना की जाए तो बेहद खास रहता है ठीक उसी तरह से अगर श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि रक्षाबंधन पे सत्यनारायण जी की कथा की जाए तो आपके जीवन में धन लक्ष्मी जो है वो बनी रहेगी और कभी भी आपके जीवन से लक्ष्मी जी का नारायण जी का खात्मा नहीं होगा खत्म नहीं होगा तो दोनों ही बहन भाई के जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बहन या भाई के जीवन में धन लक्ष्मी बनी रहे ऐश्वर्य बना रहे सुख समृद्धि बनी रहे तो आप पूर्णिमा तिथि पर यानी कि रक्षाबंधन पर जो है सत्यनारायण की कथा जरूर कर लें अब चौथी चीज चौथी चीज़ क्या है कि इस दिन जो है देवी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा जाता है आप मंदिर जाते होंगे अगर मंदिर नहीं जाते हैं तो इस बार बिल्कुल जाइएगा क्योंकि पूर्णिमा तिथि एक तो होती है दूसरा सावन का अंतिम दिन होता है और तीसरा रक्षाबंधन का दिन होता है इस दिन अगर आप मंदिर जाते हैं तो बिल्कुल जाइए और अगर नहीं जाते तो इस बार तो जरूर ही जाइएगा आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं देवी देवताओं को राखी जो है वो बांधते हैं यानी कि रक्षा सूत्र बांध देते हैं और आपको भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपका जो भगवान से कनेक्शन होता है जो हम कहते हैं ना एक डोर बंध जाती है भगवान के साथ तो वो डोर बंधती है और उनके साथ आपका कनेक्शन बनता है जिस वजह से आपकी और उनकी बीच का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता है और वो आपकी जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं रक्षा सूत्र बांधते हुए अगर आप कोई भी मनोकामना बोलते हैं जिस भी देवी देवता को उनसे आपको जल्दी ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साथ साथ उनके साथ आपका एक प्रेम का बंधन भी बना रहता है यानी कि हम जितना भगवान के उनके निकट रहे उतना ही ज़्यादा हमारा मन भी शांत रहता है और हमारे कामों में अड़चने भी नहीं आती और एक पॉजिटिव और के साथ हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में नेगेटिव नहीं होते Uh, पांचवी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि इस रक्षाबंधन पे एक काम और आपको जरूर करना है अपने वाहन को रक्षा सूत्र जरूर बांधना है क्योंकि जब भी हम वाहन चलाते हैं वाहन हमें uh, कहने को तो वाहन होता है मगर हमारे लिए हमारा एक तरह से uh, जीवन साथी हम कह लें या यूं कह लें कि हमारे को जहाँ पर भी ट्रैवल करा रहा है वो हमारा वाहन ही है अगर वाहन शुभ नहीं होता तो लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं चोट चपेट के शिकार हो जाते हैं है। यानी कि अगर एक हम अपना वाहन को सोच करके चले तो उसमें हम बैठ के जाते जरूर हैं घूमने फिरने मगर अपनी लाइफ को लेकर के जा रहे होते हैं अपनी फैमिली को लेकर के ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी फैमिली की लाइफ को लेकर के ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इसीलिए वाहन और आपके बीच में एक <coughs> अच्छा बॉन्ड और कनेक्शन बना रहे इसीलिए वाहन को रक्षा सूत्र जरूर बांधिएगा ताकि वाहन की रक्षा भी होती रहे और भगवान से आपका कनेक्शन भी बना रहे तो उम्मीद करती हूँ ये कुछ चीजें जो है इस रक्षाबंधन पे आप जरूर करेंगे और हर रक्षाबंधन पे करते रहेंगे ताकि आपके जीवन में रक्षाबंधन का एक खास महत्व बने और साथ साथ आप इस त्यौहार का भरपूर लाभ उठा पाए और आप अपने बहन भाई के साथ एक अच्छा जीवन जो है प्रेम भरा वो व्यतीत कर पाए तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी ये सारी जानकारी मिल पाए और अगर आप ये सब करेंगे तो आपके करमाज अच्छे होंगे तो इसीलिए फटाफट फड़ से लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करें और एक और वीडियो में मैं एक और नया विषय लेकर के आऊंगी ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार जय श्री राधे।